नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनली न्यूज नेशन में। बुर्का पहनकर कश्मीर में घुसने की फिराक में थे आतंकी, लेकिन सेना ने सीने पे मारी गोली। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि भारतीय सेना के कार्रवाई से कितने आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं और आखिरकार बुर्का पहनकर क्यों आतंकी भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं और ये भी दिखाता हूं कि भारतीय सेना ने कैसे बुर्का में छिपे इन आतंकियों की पहचान की और उसके बाद इनको पकड़ा। बता दूं, बुर्के में आतंकी श्रीनगर को दहलाने वाले तीनों आतंकियों की हुई पहचान। पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। क्या है पूरा मामला, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसीलिए हम बुर्का बैन की बात करते हैं कि भारत में बुर्का बैन होना चाहिए, क्योंकि बुर्के में मुस्लिम महिलाएं ही नहीं बल्कि मुस्लिम आतंकवादी भी रहते हैं, जिसकी पहचान आज हुई है। बता दूं, श्रीनगर में नौगाम स्थित भाजपा नेता के घर पे हुए आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान शहीद हो गया। इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों की पहचान कर ली गई है, जिन्होंने हमले को अंजाम देने से पहले बड़ी साजिश रची थी। तीन आतंकियों में से एक आतंकी बुर्का पहनकर भाजपा नेता के घर में घुसा था। इसके बाद दूसरे आतंकी ने अंधाधुंध गोलाबारी की, वहीं तीसरा आतंकी शहीद जवान का हथियार लेकर फरार हो गया। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर अभियान शुरू कर दिया है। बता दूं, आईजी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि तीनों आतंकियों की पहचान कर ली गई है। तीनों श्रीनगर के रहने वाले हैं, जो कि लश्कर से जुड़े हुए हैं। आतंकियों के खात्मे के लिए अभियानों में तेजी लाई जाएगी। बता दूं कि श्रीनगर के नौगाम स्थित भाजपा नेता अनवर खान के घर पर गुरुवार को आतंकी हमला हुआ। इस हमले में पुलिस कांस्टेबल रमीज राजा घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। अनवर खान बारामूला के जिला महासचिव हैं, साथ ही उन्हें कुपवाड़ा का प्रभारी भी बनाया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में स्थित नगर पालिका कार्यालय पर सोमवार दोपहर को आतंकियों ने फायरिंग की थी। इस आतंकवादी हमले में घायल हुए एक अन्य पार्षद की भी मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई थी। आतंकवादियों ने सोपोर में नगर पालिका कार्यालय के बाहर बीडीसी सदस्य रियाज अहमद और उनके सुरक्षाकर्मी साफात अहमद पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में रियाज और साफात की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य व्यक्ति घायल हो गया था। वहीं इसमें एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुआ था। यानी कि लगातार आतंकियों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा। लगातार आतंकी भारतीय जवानों पर और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे हैं, जैसा कि आज हमने देखा। यानी कि हमने आपको दो तीन दिन पिछले की खबर सुनाई, जिसमें रोजाना भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया और उसके बाद बुर्का पहनकर फरार होते हैं और बुर्का ही पहनकर एंट्री करते हैं। इसीलिए बुर्का बैन होना चाहिए और इनको जो ये आतंकी हैं, इनको कश्मीर से जल्द ही मुक्त कराना होगा, अन्यथा ऐसे ही मासूम लोगों की जान जाती रहेगी। और इसमें सारे देशवासियों के सहयोग की आवश्यकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि जितने भी लोग मारे गए वो भी कहीं ना कहीं मुसलमान थे। पहले वो मुसलमान थे, उसके बाद वो किसी पार्टी के सदस्य थे। यानी कि किसी भी जाति को इन आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है, ये सबको मार देंगे। इसीलिए अभी वक्त है संभलने का, सुधरने का और भारतीय सेना का साथ देने का। जो लोग आज भारतीय सेना पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, उन लोग से विनती है कि सवाल ना खड़ा करके बल्कि भारतीय सेना के साथ खड़े हो जाएं और इन आतंकवादियों को सफाया कराएं। जो कश्मीर में बैठे हुए हैं आतंकवादी, इनका सफाया होना निश्चित है, तो आप भी साथ दीजिए भारतीय सेना का। और जो लोग इनको शरण देते हैं, क्योंकि अचानक से इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है कि किसी गांव में घुसकर ये हमला करें और अचानक गायब हो जाएं, इनमें इतनी शक्ति नहीं है, बल्कि ये लोग किसी न किसी घर में शरण लेते हैं, उसी घर में छिप जाते हैं, मस्जिद गुरुद्वारे में छिप जाते हैं। इसीलिए इन लोग को कहीं छिपने की जगह ना दी जाए। जो लोग इन्हें छिपा रहे हैं, उन लोग से भी विनती है, क्योंकि
सांप किसी का नहीं होता, मौका पाते ही डस लेगा। वही हाल इन आतंकवादियों का, जब तक आप खिलाए पिलाएंगे तब तक ठीक है, जब तक आप इनको शरण देंगे तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन आपने इनको शरण देना बंद किया उसी दिन ये आपको भी मार देंगे। आप भी क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सच्चाई जनता तक पहुँचे। बने रहिए ओनली न्यूज़ नेशन साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशियन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, आप तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन, हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।